स्वागत है दोस्तों आप सभी का विटॉर क्लासेस में। फ्रेंड्स, अभी हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं 27 जनवरी के करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वॉज साइंड बिटवीन नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NHIDCL अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज एंड MSIL and FS Transportation Networks Limited for construction of the 14.150 km long two-lane bi-directional Jojila Tunnel in Jammu and Kashmir. एक समझौता साइन किया गया है National Highways and Infrastructure Development Corporation NHIDCL, इसका फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा अच्छे से, किसके साथ, जो ये आता है किस मिनिस्ट्री के अंडर में, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज एंड MSIL एंड FS ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स लिमिटेड। और इसको कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है जोजिला टनल, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है, और ये बाई डायरेक्शनल टनल है, मतलब द्विदिशीय टू लेन टनल है, और इसकी लंबाई है 14.150 किलोमीटर लॉन्ग। सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर वी नारायणन अज्यूम्ड चार्ज एज डायरेक्टर ऑफ इसरोज लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम्स सेंटर LPSC। साइंटिस्ट डॉक्टर वी नारायणन को इस पद से नियुक्त किया गया है डायरेक्टर ऑफ इसरोज लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर LPSC। हिमाचल प्रदेश celebrated its 48th statehood day on 25th January 1971. Himachal Pradesh was named the 18th state of India. This day is celebrated every year as Himachal Pradesh statehood day. Himachal Pradesh celebrate कर रहा है 48वां statehood day. Statehood day का बोलने का अर्थ है कि इसी दिन हिमाचल प्रदेश को राज्य का होने का दर्जा प्राप्त हुआ था। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को 18वां स्टेट, मतलब राज्य के लिए घोषित किया गया था, और तब से ये इस दिन प्रति हर वर्ष स्टेटहुड डे हिमाचल प्रदेश मनाता है अपना। वोडाफोन इंडिया पार्टनर विच ई कॉमर्स मार्केट प्लेस फ्लिपकार्ट टू प्रोवाइड अ रेंज ऑफ एंट्री लेवल स्मार्टफोन्स एट एन इफेक्टिव प्राइस ऑफ ₹999। As part of the tie-up, Vodafone has rolled out cashback offers on a select range of entry-level 4G smartphone models available under Flipkart's My First 4G Smartphone campaign. For the offer, customers have a recharge least ₹150 per month for 36 months. Vodafone India ne partnership kiya hai e-commerce marketplace Flipkart ke saath, जो प्रदान करने वाला है बहुत सारे रेंज में एंट्री लेवल स्मार्टफोन्स का, एक इफेक्टिव प्राइस के है दिया गया है, वो लोग 999 रुपये का उन्होंने प्राइस रखा है स्मार्टफोन से, बहुत ही सस्ता रेंज में लेकर के आए हैं। और ये टाइप वोडाफोन ने नया किया है और नया अपना उन लोग लॉन्च किया है कैशबैक ऑफर्स बहुत सारे रेंज के 4G स्मार्टफोन्स के ऊपर, तो इससे बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला कस्टमर्सों को। और एक लीस्ट प्राइस सेटअप किया गया है ₹150 प्रति मंथ, जो कि 3 वर्ष तक रिचार्ज का फ़ायदा वो लोग उठा सकेंगे। इंडिया हैज़ बीन रैंक्ड 177th आउट ऑफ 180 कंट्रीज इन द 2018 एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स EPI। द रिपोर्ट वॉज रिलीज ऑन द साइडलाइंस ऑफ द ऑनगोइंग वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF इन डेवोस स्विट्जरलैंड। इंडिया का रैंक 177 हुआ है पूरे कुल 180 कंट्रीज में से एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स पे। ये नया रिपोर्ट नया आया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ से, जो कि हो रहा है स्विट्जरलैंड के डेवोस में। द सेंट्रल गवर्नमेंट सैंक्शनड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IIIT एट रायचूर कर्नाटका। प्रकाश जावड़ेकर यूनियन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर सेड दैट द रिक्वायर्ड फंड्स फॉर IIIT रायचूर विल बी एलोकेटेड इन द 2018 बजट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया है कि एक नया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन
टेक्नोलॉजी रायचूर में स्थापित होने वाला है कर्नाटका के। प्रकाश जावड़ेकर जो है यूनियन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर, उन्होंने बताया है कि इसके लिए काफ़ी फंड एलोकेट किया गया है और ये एलोकेट होगा 2018 के बजट में। माइक्रोसॉफ्ट विल यूज डीप न्यूरल नेटवर्क्स टू एनेबल हाई क्वालिटी इंडियन लैंग्वेज ट्रांसलेशंस। इट रिकॉग्नाइजेज स्पीच टू कन्वर्ट इनटू टेक्स्ट, एलिमिनेट्स एरर्स इन द डेटा, ट्रांसलेट्स इट टू द टारगेट लैंग्वेज एंड सिंथेसाइजेज द टेक्स्ट बेस्ड ट्रांसलेशन इनटू स्पीच। माइक्रोसॉफ्ट यूज करने वाला है एक बहुत ही नायाब तकनीक, डीप न्यूरल नेटवर्क्स वाला तकनीक, जो कि हेल्प करेगा हाई क्वालिटी इंडियन लैंग्वेज का ट्रांसलेशंस के लिए। दोस्तों इसमें जो ट्रांसलेशन स्पीच बहुत सुविधाजनक हो जाएगा ये सिस्टम को यूज करने से। सरस VT-1N द न्यू अपग्रेडेड वर्जन ऑफ इंडिजिनस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट सरस, डेवलप्ड बाय नेशनल एयरोनॉटिक्स लेबोरेटरी NAL, सक्सेसफुली मेड इट्स मेडन फ्लाइट इन बेंगलुरु कर्नाटका। द एयरक्राफ्ट took off from Hal Airport, Bengaluru and flew for about 40 minutes at the maximum height of 8,500 at the speed of 145 knots. Saras PT-1N is a 14-seater passenger aircraft designed and developed by CSIR NAL, a frontline aerospace research laboratory. Saras PT-1N ये नया अपग्रेडेड वर्जन है जो इंडिजिनस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट सारस का, जिसको डेवलप किया गया है नेशनल एयरोनॉटिक्स लेबोरेटरी के द्वारा। इंडिजिनस बोलने का अर्थ हुआ दोस्तों स्वदेशी, ठीक है। और ये अपना सक्सेसफुली मेडन फ्लाइट आराम से बेंगलुरु में के कर्नाटका में इसने पूरा किया और ये एयरक्राफ्ट हाल के एयरपोर्ट से उड़ान भरा था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI होस्टेड अ वन डे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इंक्लूजन ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज इन द इलेक्शन प्रोसेस इन न्यू दिल्ली। द कॉन्फ्रेंस वॉज ऑर्गेनाइज अंडर द voice.net प्लेटफॉर्म, अ कॉमन नॉलेज रिसोर्स शेयरिंग नेटवर्क फॉर 25 इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI होस्ट करने वाला है वन डे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस किसके ऊपर, इंक्लूजन ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज इन द इलेक्शन प्रोसेस। जो इलेक्शन प्रोसेस में डिसेबिलिटीज है, निर्बलता है, उसके ऊपर मीटिंग बैठकी हुई है न्यू दिल्ली में। द कॉन्फ्रेंस वॉज ऑर्गेनाइज बाई voice.net प्लेटफॉर्म, ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया है voice.net प्लेटफॉर्म के द्वारा। यह एक कॉमन नॉलेज रिसोर्स शेयरिंग नेटवर्क है और यह सिस्टम 25 देशों में 25 बॉडीज फॉलो करती हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन NSIC साइंड अ MOU विद SNE कॉरपोरेशन मलेशिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कोऑपरेशन इन एरियाज सच एज पॉलिसीज टू एड द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस SMBs इन द टू कंट्रीज। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन NSIC ने एक समझौता साइन किया है SME कॉरपोरेशन मलेशिया के साथ, जो दोनों आदान प्रदान करेंगे इंफॉर्मेशन का और हेल्प करेंगे किन किन एरियाज के ऊपर, आइए देखते हैं। जो पॉलिसीज बनेगा एक दूसरे का डेवलपमेंट के ऊपर और स्मॉल और मीडियम जो बिजनेस है उसको हेल्प करने में ये दोनों सक्षम रहेंगे। द नेशनल वोटर्स डे NVD is observed every year by India on January 25 with an aim to increase the enrollment of voters, especially of the new eligible ones. The day is also observed to mark the establishment of the Election Commission on this day in 1950, a day before India became a republic country. National Voters Day प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 25 जनवरी को और ये इसी दिन ऑब्जर्व किया जाता है, मतलब हम लोग इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि इसी दिन इलेक्शन कमीशन का बैठक स्टैब्लिशमेंट हुआ था, स्थापना हुआ था 1950 में, ठीक है।
ठीक हमारे देश का एक दिन जो हम लोग जो रिपब्लिक डे मनाते हैं उसके एक दिन पहले। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए। आप कमेंट कर सकते हैं कैसा लगा आप लोगों को हमारा ये वीडियो, और आप कमेंट में ये भी लिख सकते हैं अगर कोई भी टॉपिक्स पे लेक्चर्स चाहिए, हम आप लोगों के लिए तुरंत लाने की कोशिश करेंगे। और आपसे अनुरोध है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी नया वीडियोस हम बनाएं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत आ जाए। और हो सके तो आप ये सब सारे वीडियोस अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।